नवंबर 2 साल 2002 में एक इंटरनेट स्केलर फॉर्म में जहां पर लोग बात करते थे वहां एक नया मेंबर शामिल हुआ जिसका नाम था जॉन टाइटर और उसने कुछ ऐसा पोस्ट किया, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रेवल हूं और 2036 के साल से आया हूं। 1975 के साल में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उस कंप्यूटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और इसी बीच 2036 से 1975 तक जाते हुए मैं बीच में 2000 में रुक गया, क्योंकि दरअसल मुझे देखना था कि पास्ट कैसा दिखता है और साथ ही मुझे Y2 नाम की कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी देखना था। उस समय तो है पोस्ट देखकर बहुत से लोग तो पूरी तरह हैरान हो गए थे, लेकिन साथ ही बहुत से लोगों का मानना था कि ये प्रोफाइल पूरी तरह से फेक है और ये आदमी यह फेक प्रोफाइल बनाकर खुद को फेमस करवाना चाहता है। और इसी वजह से बहुत से लोगों ने पोस्ट का रिप्लाई करते हुए कहा कि हमें इन सब चीज़ों का एक रियल प्रूफ दो, तभी हम तुम पर विश्वास करेंगे। और तभी करीब 12 घंटे के बाद उस इंसान ने जो चीज़ पोस्ट की उसे देख कर सबके होश ही उड़ गए। जॉन टाइटर नाम के उस व्यक्ति ने टाइम ट्रैवल मशीन की एक बहुत ही बढ़िया सी डिज़ाइन पोस्ट की। इसे देखकर पूरी दुनिया सरप्राइज्ड हो गई और उसने अपनी टाइम मशीन की भी एक फ़ोटो पोस्ट की। जॉन क्या कहना था कि वो एक आर्मी है और 2036 से आया है और उसके दादाजी IBM कंपनी में काम करते थे और यही कारण है कि साल उसका IBM कंपनी से कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। जॉन का कहना था कि IBM कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ थी जो फ्यूचर की कंप्यूटर प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर सकती थी। यार अब आप सोचेंगे कि सच में भाई इंसान फ्यूचर से आया था, तब तो उसने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट किया होगा। जी हाँ, उसने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताया भी था। जॉन ने कहा था कि अपने पोस्ट में बताया था कि पेरू में बहुत बड़ी अर्थक्वेक आने वाली है और उसने और उसके कुछ महीने बाद ही 23 जून 2001 को पेरू में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। और साथ ही उसने कहा था कि तुम लोग जल्दी ही स्पेस चैटर लोअर हीटिंग की अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और अगेन ही उसकी प्रेडिक्ट पूरी तरह से ट्रू साबित हुई और तभी 21 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से तबाह हुआ। हालांकि उसकी 52% प्रेडिक्ट तो पूरी तरह ट्रू साबित हुई, लेकिन 48 प्रेडिक्ट पूरी तरह से गलत साबित हुई। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 52% प्रेडिक्ट का सही होना भी एक बहुत बड़ी बात है। मार्च 24, 2001 इस दिन के बाद उस अकाउंट से कभी भी कुछ और पोस्ट नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।